हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी। कल हमने पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी का एक टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप तथा टंकी। पाइप तथा टंकी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे हमारे ना कुछ एडवर्टाइजमेंट, जैसे 7/2015 हो गया, एक क्लर्क का था 10/2015, उनमें ना आ चुका है प्रश्न पाइप तथा टंकी से। पीछे प्रश्न में हमारे डिप्टी रेंजर वगैरह थे, वाइल्ड लाइफ गार्ड वगैरह के थे, इनमें भी पाइप एंड सिस्टम से यानी कि पाइप तथा टंकी से प्रश्न आ चुके हैं। चलो हम तैयार करते हैं हमारा ये टॉपिक। देखिए, यदि एक पाइप, देखिए पहले मान लेते, यदि एक पाइप एक टंकी को एक्स घंटे में भरता है, क्या कह रहा है, यदि कोई एक पाइप है वो किसी टंकी को एक एक्स घंटे में भर देता है, तो पाइप का है ना वो एक घंटे का भराव कार्य क्या होगा, मतलब पाइप का एक घंटे का भराव कार्य वो क्या होगा, वो हो जाएगा अपना 1/x। मतलब क्या होगा, यदि एक पाइप है वो किसी टंकी को एक्स घंटे में भर रहा है, तो पाइप है ना एक घंटे में कितना भर रहा होगा, वो भर रहा होगा अपना 1/x, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी देखिए ये क्या रहा है, जब भर रहा है, और यदि इसी के गम से पूछ ले कि कितना है रिक्त कर रहा है या निकासी कितना ही कर रहा है, ठीक है, वो देखते हैं। देखिए सेकंड करते हैं, ठीक है। यदि एक पाइप, ठीक है, क्या कह रहा है, यदि एक पाइप किसी भरी टंकी को, मतलब पहले टंकी भरी हुई है, किसी भरी टंकी को वाई घंटे में खाली कर देता है, मतलब क्या कह रहा है, भी कोई एक पाइप है ना वो उसके द्वारा जो भरी टंकी है ना वो वाई घंटे में क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो क्या क्या पूछ रहा है कि पाइप का एक घंटे का निकासी कार्य, पाइप का एक घंटे का निकासी या खाली भी लिख देते हैं हम, खाली कर देगा, ठीक है, वो कितने देर में खाली कर देगा, वो कर देगा हमारा 1/y, कितने 1/y घंटे में क्या कर देगा, एक घंटे में वो 1/y है वो खाली कर देगा, ठीक है। क्या फिर से देखिए, यदि कोई पाइप है ना वाई घंटे में भर रहा है, तो उसे एक घंटे में कितना भरेगा, खाली करेगा, वो कर देगा 1/y में, ठीक है। अब हम इसके मेन दो पॉइंट है, 5 पॉइंट हैं, उन पर आते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इन 4 या 5 पॉइंट से ना या टाइप से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि हमारा एक दो प्रश्न ही आता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो हमें एक ही प्रश्न या जैसे हमारे 2 प्रश्न जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं वो क्लियर हो सके, हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास मिनिमम 15 से 20 दिन है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, वो तो हमारे पास मैथ और रीजनिंग के दोनों ही टॉपिक इन दिनों में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिएगा टाइप वन, देखिए हमारा, ठीक है, एक नल है, फर्स्ट टाइप देखिए हमारा, एक नल एक होज को m घंटे में
भर सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक नल है ना, वो एक होज या टंकी, होज या टंकी भी कह दीजिए आप, टंकी भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर नल पाइप जो भी है, एक नल है वो एक होज को क्या है हम घंटे में भर सकता है, तथा दूसरा नल क्या है, दूसरा नल है वो, दूसरा नल टंकी को या होज को, टंकी या होज को n घंटे में भर सकता है। पहला क्या है, m घंटे में भर रहा है, दूसरा क्या करेगा, n घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भर देंगे, में भर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, एक कोई नल है या कोई पाइप है, वो किसी टंकी या होज को m घंटे में भर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक नल है या पाइप लगा लीजिए, वो एक कोई होज है या टंकी है, उसको m घंटे में भर रहा है, तथा एक दूसरा पाइप और नल है वो कितने कह रहा है, वो n घंटे में भर रहा है। तो हमसे पूछा गया कि जब दोनों ही को m और n दोनों को ही खोल दिया, तो दोनों मिलकर है ना उस टंकी या होज को कितनी देर में भर देंगे, कितनी देर में भर देंगे, तो उसमें आ जाएगा m n अपॉन m प्लस n, मतलब इतनी देर में है ना, ओवर में अमर मिनट में जितनी देर में पूछे ना, तो दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे, m n अपॉन m प्लस n, दोनों ही मिलकर इतनी देर में है ना वो होज या टंकी को भर देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड एक पहले क्वेश्चन करते हैं, भाई दोनों जब इतने देर में भर रहे हैं। ठीक है, देखिए देख, ए है ना, ए है, वो होज को 12 मिनट में भर रहा है। ठीक है, 12 मिनट में भर रहा है, और बी है ना, वो होज को 15 मिनट में भर रहा है। ठीक है, मतलब ए है ना, वो होज को 12 मिनट में भर रहा है, और बी होज को 15 मिनट में भर रहा है। ए हमारा 12 मिनट में भर रहा है और बी हमारा 15 मिनट में भर रहा है, तो दोनों मिलकर, मतलब ए और बी दोनों मिलकर है ना कितने घंटे में भर देंगे। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि ए किसी का टंकी को या होज को, होज या टंकी, टंकी को 12 मिनट में भर रहा है, और बी उसी होज या टंकी को 15 मिनट में भर देता है, जब दोनों को साथ में खोला जाए तो ए और बी दोनों मिलकर उस होज को कितनी देर में भर देंगे। ठीक है, देखिए देखिए करते हैं, मतलब ए और बी का निकालना है हमें, ये हमारा एम दोनों मिलकर कितने, एम हमारा कितना है 12 मिनट, एन हमारा इतना है, देखिए 12 × 5 = 15 अपॉन कितना आ रहा है 12 + 15। ठीक है, अब देखिए हमने यही तो फॉर्मूला पढ़ा था, जब दोनों को निकालना हो तो एम इंटू एन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, एम हमारा 12 है, एन हमारा 15 है, तो क्या जाएगा, देखिए 12 × 15 अपॉन कितना आ जाएगा, देखिए 27 आ रहा है, 15 × 12 तो 27 ही होता है। अब देखिए 3 से काटते हैं 4 9, फिर कटेगा कितना आएगा 5 × 3 कितना आ जाएगा 20/3 आ जाएगा, मतलब इतनी देर में ना वो हमारा ओज पूरा भर जाएगा, मतलब 20/3 मिनट में हमारा ओज पूरा भर जाएगा, जब दोनों मिलकर भर रहे होंगे तब। ठीक है, ये था हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन, अब हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब दूसरा टाइप देखिए, टाइप सेकंड करते हैं, अब हम बात करते हैं टाइप टू की। ठीक है, देखिए टाइप सेकंड में क्या है, यदि एक नल एक होज को, होज या टंकी को m घंटे में
भर सकता है तथा एक दूसरा नल उस टंकी को एन घंटे में खाली कर सकता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यदि एक नल और एक होज टंकी को हम घंटे तथा की करना देखो ना साहब जो एन घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे टाइप टू है ना, इसमें दो केसेस बनते हैं। ठीक है, एक केस तो होगा जब एम एन से बड़ा हो और एक क्या होगा जब एन है ना वो एम से बड़ा हो। ठीक है, ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है। ठीक है, जब है ना एम एन से बड़ा होगा तब क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा भी जो टंकी है ना वो कितनी देर में खाली हो जाएगी, टंकी खाली होगी वो आ जाएगी इससे। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा जब टंकी भर जाएगी, टंकी भर जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए आप साथ साथ में क्योंकि इस पे ना एक प्रश्न आएगा ही आएगा, पिछले वाले पे तो बाई चांस ना भी पूछे तो इस पे ज़रूर आ सकता है कि भाई उसमें तो दोनों भर रहे थे, इसमें क्या कह रहा है एक बार भर रहा है और एक है ना वो नल है वो खाली कर रहा है। ठीक है, जब अब इसके जो केस है वो फर्स्ट देखते हैं, पहले देखिए फर्स्ट केस में क्या हुआ। ठीक है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या होगा हमारा, जब एम एन से छोटा हो तब क्या होगा, तो होज है ना वो होज या टंकी वो कितनी देर में भर जाएगी, एम एन अपॉन एन माइनस एम, क्योंकि एन देखिए इधर हमारा बड़ा कौन है एन है तो क्या जाएगा एन माइनस एम, तो क्या जाएगी टंकी भर जाएगी, इतनी देर में टंकी भर जाएगी, भर जाएगी। ठीक है, ये हमारा टाइप टू का फर्स्ट केस है। ठीक है, अब बात करते हैं हम केस सेकंड की जब क्या हो एम बड़ा हो क्या हो एन से। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ओज या टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ओज या टंकी भरने में या खाली होगी, हम क्या हो जब एन से बड़ा हो तो टंकी है वो कितनी देर में खाली हो जाएगी, वो आ जाएगा एम एन अपॉन क्या आ जाएगा एम माइनस एन, इसमें क्या होगी टंकी है ना वो खाली होगी। ठीक है, टंकी कितनी हो जाएगी इतनी देर में खाली हो जाएगी, मतलब जब एक है ना वो एम घंटे में भर रहा है, एन बी है वो एन घंटे में किसी टंकी को खाली कर रहा है, तो दोनों जब भरी जाएगी वो पूछे तो क्या जाएगा एम एन अपॉन एन माइनस वन, और जब दोनों ही खाली की पूछे तो एम एन अपॉन एम माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आप सबको। ठीक है, अब हम इसके बात करते हैं टाइप थर्ड की, देखते हैं इसका जो टाइप टू के केसेस के हैं इसके क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम इससे ज़्यादा एक टाइप थर्ड और देखते हैं। ठीक है, देखिए टाइप थ्री यदि एक नल ठीक है किसी टंकी को टंकी या होज को एम घंटे में भरता है, ठीक है क्या होता है दूसरा नल उसे क्या है एन घंटे में भरता है
तथा तीसरा नल, क्या कह रहा है, तीसरा नल उसे पी घंटे में भरता है, ठीक है, पी घंटे में भरता है। तो तीनों मिलकर है ना वो कितनी देर में भरेंगे, मतलब क्या है, ए है वो एम घंटे में भरता है, ए एम घंटे में भरता है, बी एन घंटे में भरता है, और तीसरा है ना वो पी घंटे में, मतलब ए भर रहा है एम में, बी भर रहा है एन में, एंड सी भर रहा है किस में, पी में। तो तीनों का पूछा है कि भाई तीनों मिलकर उसको है ना टंकी को कितनी देर में भर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या आएगा जब तीनों मिल के भर रहे हैं तब, ठीक है। देखिए मतलब तीनों मिल के भरेंगे वो चीज़ निकालनी है, क्या आएगा एम एन पी, मतलब एम ए एम में भरा है, दूसरा बी एन में भरा है, सी कितना भरा है पी में। तो देखिए पहले आ जाएगा एम एन प्लस एन पी प्लस कितना आ जाएगा एम पी। ये जब वो क्या ये चीज़ आ गई ना वो हमारी आ गई, जब तीनों मिल के है ना वो हौज या टंकी को भर रहे हैं वो टाइम आ जाएगा हमारा इससे, ठीक है। इतनी देर में ना इतने घंटे में या इतने घंटे या मिनट में है ना भर जाएगी हमारी टंकी, ठीक है, इतनी देर में भर जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये था हमारा टाइप थर्ड। अब टाइप थर्ड का ही पार्ट लगा लिए या चाहे टाइप फोर लगा लीजिए, चलो टाइप फोर लगा लेते हैं। देखिए टाइप फोर मतलब क्या कह रहा है, जब ए तो है ना एम घंटे में भर रहा है, एम आवर में भर रहा है, बी हमारा एन आवर में भर रहा है, और क्या कह रहा है सी है, मतलब ए और बी दोनों पाइप है ना वो तो भर रहे हैं, और एक सी तीसरा पाइप है जो इसी को पी आवर में खाली कर रहा है, मतलब सी तो भर रहा है ना, ए और बी तो भर रहे हैं, जबकि सी क्या कह रहा है हमारा उस भरी टंकी को खाली कर रहा है, मतलब उस सी पाइप है ना उसे निकासी निका पाइप है, ठीक है। अब निकालते हैं जब क्या कह रहा है तीनों का, उस भर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इस चीज़ को निकालने में क्या आएगा वो चीज़ नॉर्मल एम एन पी, ठीक है। अब क्या आ जाएगा नीचे कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारा एम पी, ठीक है, एम पी प्लस एन पी माइनस कितना आ जाएगा एम एन, ठीक है। आया देखिए ए हमारा एम ओवर में भर रहा है, बी हमारा एन ओवर में भर रहा है, एंड सी है वो तीसरा पाइप है वो खाली कर रहा है। तो हमारा पहले तो एम ए और बी का आएगा, भाई ए और सी आ जाएगा जो भर रहे हैं, फिर इसका आएगा एम ओवर एन जो दोनों भर रहे हैं, वो क्या जो दोनों का भर रहा है ना वो घटा दिया इन दोनों में से, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा जब जो टाइम है ना टोटल, जब ए सी निकाल रहा है और ए बी भर रहे हैं तो वो टाइम आ जाएगा हमारा। सेम टाइप फोर लगा लीजिए या टाइप थर्ड का एक पार्ट निकाल लीजिए, क्योंकि उसमें टाइप थर्ड में तो है ना तीनों एक साथ भर रहे थे, लेकिन टाइप फोर में क्या आ गया एक है सी है वो निकासी कर रहा है, ठीक है, पाइप नहीं निकाल रहा है। अब देखिए अब हम बात करते हैं एक अगली टाइप की, जिसमें हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है, इससे हमारे एक एचएससी में पर्सन भी आ चुका है 2015 में, एडवर्टाइजमेंट है, नियरली 40 नंबर क्वेश्चन है शायद वो, तो आपको या मैथ का कई बार क्वेश्चन में अलग दे रखा होगा कौन से नंबर पे दे रखा है, मैंने पेपर दिया था उसमें ये नियरली 40 नंबर पे था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा था। अब देखिए पहले मैं इसको आप जो एडवर्ड आ रखा था ना उसका टाइप बताता हूँ कि उसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। दो नल हैं ए और बी, दो नल हैं ए और बी, ठीक है। वो क्या है ए है ना वो तो भर रहा है एम आवर में, और बी है वो एन आवर में भर रहा है, ठीक है। अब क्या कहता है एन घंटे में भर सकते हैं दोनों नल ए तथा बी खुले, क्या कह रहा है ए और बी दोनों ही नल है ना वो खुले हैं, ठीक है। और टी समय के बाद, मतलब क्या कह रहा है टी समय होगा, मतलब कितना होगा टी समय भर गया, उसके बाद क्या कर दिया है नल ए को बंद कर दिया जाए, मतलब जब टी समय चला गया ना, मतलब दोनों को भरने के भर रहे हैं तो उनके बाद क्या हो रहा है टी समय निकलगा, टी समय के बाद क्या कह रहा है कि ए नल है ना ए नल को बंद कर दिया, बंद कर दिया, मतलब क्या कह रहा है टी समय जब निकल गया मतलब उसको, मतलब ए नल को ना बंद कर दिया जाए, मतलब आपको टी समय दे दिया कोई भी, उसके बाद है ना ए नल है ना उसको बंद कर दिया गया है। और बाद में क्या कह रहा है ताकि होज हमें वो समय निकालना है कि होज टी समय में, टी समय में ये देखिए ये कैपिटल डी है और ये टी समय में, टी समय में होज भर जाएगा, मतलब ए को बंद करने के बाद कितने, मतलब वो समय में या टी है या कितने समय में
में पोज भर जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूरा भर जाए। अब देखिए इसमें दो बनते हैं, एक तो टी अपॉन कितना आएगा एम आएगा, प्लस कैपिटल टी अपॉन कितना आ जाएगा एन आ जाएगा, इधर क्या जाएगा वन, ये आ जाएगा, ये होता फॉर्मूला। ये आपको टी पूछ रखा हो तो क्या जाएगा वन माइनस कितना आ जाएगा टी अपॉन एम इंटू एन। ठीक है, अब देखिए इसी पे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए 7/2015 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में था भाई ये है ना वो 37.5 मिनट में भर रहा है। ठीक है, मिनट में भर रहा है, और बी भर रहा है 45 मिनट। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है आगे कि हाफ आवर में तो आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में ना, वो क्या कह रहा है कि 30 मिनट्स में मैं पूरी भर जाती है भाई टंकी। मतलब क्या है 30 मिनट में ना टंकी पूरी भर सकती है, 30 मिनट में टंकी पूरी भर जाती है, पूरी भर जाती है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है ए और बी, ए करता है ना वो 37.5 मिनट में भर सकती है टंकी को, और बी 45 मिनट में भर सकती है, और ये आगे क्या है जब दोनों मिलकर काम करें ना तो 30 मिनट में टंकी पूरी भर जाती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमें कहता है कि बी कितने देर का काम छोड़ेगा कि ए है वो अकेला टंकी को भर दे। ठीक है, ऐसे में हमारे से कितने समय बाद टी पूछा हमसे, कैपिटल टी पूछा है। ठीक है, देखिए टी पूछा है वन माइनस कितना है 30 अपॉन, ये देखिए इसको हम 75/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू में क्या है हमारा 45। अब देखिए 1 - 60/75 इंटू में 45 लिख सकते हैं, आ रहा है इतना। अब देखिए 15/75 यानी कि 75 - 16/75 कर दो तो उसको डायरेक्ट 15/75 इंटू में कितना आएगा 45 आएगा। ठीक है, 15 × 75 इतना कहते हैं 9, तो हमारा राइट आंसर था ना वो 9 था, 9 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, ये हमारा एक टाइप था, ये था किसान हमारे ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप को, एक और रहेगा हमारा। हमारे नेक्स्ट टाइप में क्या है ए बी सी तथा, मतलब क्या है ए है बी है और सी है, तीन है तो ए और बी है ना वो एम और एन में भर देते हैं। एम और ए भर रहा है एम घंटे में, बी भर रहा है एन में, और सी है वो तीसरा क्या है वो खाली कर रहा है टिंकी को। ठीक है, दूसरा नल घंटे में भर सकता है, तीसरा नल क्या है वो पी घंटे में खाली कर सकता है, तीसरा उसे पी घंटे में खाली कर रहा है। अब क्या कह रहा है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो, मतलब क्या कह रहा है यदि तीनों नल टी घंटे खुले रहते हैं, मतलब टी टाइम तक है ना, टी घंटे तक या मिनट तक तीनों खुले रहे। क्या कह रहा है ए एम घंटे में भर सकता है, बी एन घंटे में भर सकता है, और सी पी घंटे में भर सकता है। क्या कह रहा है टी घंटे तक तीनों वो है खुले रहे, तो है ना इन बीच के बीच में है ना तीनों के बीच में क्या संबंध होगा ए और बी उसके में, वो आ जाएगा टी अपॉन एम प्लस टी अपॉन एन माइनस में टी अपॉन पी। ठीक है, ये संबंध आ जाएगा। ठीक है, मतलब या इसे मारा जाएगा कि वो कितने घंटे में भर देंगे या तीनों में, ये संबंध आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। आज हमने पिछली क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के टाइप किए थे, और आज हमने की है पाइप एंड सिस्टम यानी कि पाइप तथा टंकी के, पाइप तथा टंकी। ठीक है, अब बात देखिए हमारे पास है 15 से 20 दिन, हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है क्योंकि पुलिस के फार्म की लास्ट डेट शायद 13 थी, तो अभी एसएससी कभी भी अनाउंस कर सकती है कि पेपर की डेट, क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी हो ताकि सभी को नौकरी मिल सके। तो देखिए आप मैक्सिमम 20 दिन लगा लीजिए, हमारे पास हैं 20 दिन। सिलेबस में मिनिमम 10 टॉपिक तो ऐसे हैं जिनसे पर्सन आने की बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, मैथ के बता रहा हूँ मैं, पिछली बार देखिए नंबर सीरीज से भी आए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से भी आई है। ठीक है,
यूनियन वगैरह से, यूनियन होता है आप सुनते होंगे, अभी पुलिस में भी कुछ सुनाए थे उस पर, प्रोबेबिलिटी यूनियन और एडवांस मैथ, ये तो है मेन मेन टॉपिक जो हमारे मैथ से कवर होंगे। और रीजनिंग के भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमें आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जैसे कैलेंडर, ठीक है कैलेंडर, तो हमें ये टॉपिक हैं ये हमारे 20 दिन में पूरे करने हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक दिन में ही सारा टॉपिक हो, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, एक दिन में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। हम इसलिए डेली एक मैथ की क्लास कर रहे हैं और एक दिन रीजनिंग की क्लासेज कर रहे हैं, हमें भी तैयारी करनी होती है इसलिए हम साथ में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, आगे देखिए आप, इसलिए हम आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ना, वो आप या तो आप जो भी पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक है ना, हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसी टॉपिक को आगे कवर करेंगे। हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।